नमस्कार, हेरिना टेलिभिजन देखि रहल सम्पूर्ण दर्शक बिनके हम स्वागत करे चाहे छुन तुरिस यान के मन पसिन थार भाषा कार्यक्रम हम समाज में साथ दे रहल छुन। हमें तुरिस यान के संग हमें नीरज खवास तो छिन। हम समाज थार भाषा कार्यक्रम प्रत्येक हप्ता के बुध दिना साँझ 7 बजे से 8 बजे तक और ओइनन करके पुनः प्रसारण बृहस्पति दिना बिहान 11 बजे से 12 बजे तक हमें कार्यक्रम प्रस्तुता नीरज खवास के साथ में देखे सकते। देखिए इतना खान हमारा कैमरा दिशन साथ दे रहा है कुशल कार्की। कुशल कार्की के बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहिन। इटा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में कुन कुन हेची कही के सबै सबै नाम तोर्सिन के जानकारी देवे चाहिन। इटा कार्यक्रम में अपने सी के थारू समुदाय में संघर्ष करते हेल विभिन्न व्यक्तित्व संगसंगे के बातचीत आर ओने करी के अपने सी के समुदाय में थारू समुदाय में कतना के बनिया काम हावी रहल छी, कतना के नै बनिया काम हावी रहल छी, यहाँ के विशेष निगरानी राखते हम इटा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज मार्फत हम तोर्सिन के इटा कार्यक्रम मार्फत कहमनी प्रसारण करते हेलुस। इटा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज मार्फत आर ओइन करी के मनोरंजन के लगिन त अपने सी के थारू समुदाय के कलाकार सम गाय गायिका सम गीत करल ना गीत हमें इटा कार्यक्रम मार्फत प्रसारण भी तोर्सिन के देखत मनोरंजन करते हेलुस। अवश्य भी आज हमें इटा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में हमें बातचीत जोड़े चाह छुन। अपन सी के इटा थारू समुदाय में प्रदेश नंबर 1 के थारू समुदाय में एकटा चर्चा में एल एकटा कार्यक्रम तोर सी के इतना जना के था हेतु इटा कार्यक्रम के बारे में जेकि इटा कार्यक्रम रहल अच्छी नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 प्रदेश नंबर 1। अवश्य भी इटा थारू कला केन्द्र कमनी थारू कला केन्द्र मोरंग के आयोजना में इटा नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 प्रदेश नंबर 1 संचालन में छी जेकि अखने 1 महीना के ट्रेनिंग लगभग 1 हफ्ता के ट्रेनिंग तालीम समाप्त करल छी आर 3 हफ्ता के तालीम बाकी छी। इटा आर 3 हफ्ता के बाद थारू कला केन्द्र मोरंग अपन सी के थारू समुदाय के लागि प्रदेश नंबर 1 के लागि एक एकटा एकजना मिस्टर आर एकजना मिस के ताज पहिराबे लगिन तम तैयार में लागि रहल छी जेकि इटा के टाइटल स्पोन्सर रहल छी नोबेल मिस्टर नोबेल मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल रहल छी। इटा के मेन स्पोन्सर जेकि टाइटल देल छी इटा मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 के नोबेल मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल जेकि अपन सी के थारू समुदाय के लागि इटा मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 कुन के लागि छी कि इटा के अपन सी के थारू समुदाय में इटा के कुन रूप से ल्या रहल छी अपन सी के थारू समुदाय के व्यक्ति सम इटा नोबेल एंड मिस नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन अपन सी के थारू समुदाय में कुन भूमिका रहती 55 जना के छनौट करी के 55 जना के 1 महीना के तालीम दे रहल छी विराटनगर के होटल ईस्टर्न स्टार में। ओकर सीन इटा अपन सी जे बनती इटा मिस्टर एंड मिस थारू एक एक जना प्रतिस्पर्धी में एक एक जना जे बनती मिस्टर एंड मिस ओकर सी के भूमिका कुन रहती अपन सी के थारू समुदाय में ओकर सी के काम कुन रहती इना देखे लगनी बाकी है जेकि हमें एक छुम्मा रिपोर्ट निहा तोर्सिन के लागि हमें इटा के झलक हमें कमनी तैयार पार्ल छी जेकि नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 जेकि गेल रशनी दिना इटा कार्यक्रम के छायांकन हेल छी जेकि इटा छायांकन के क्रम में अपन सी के थारू समुदाय के एकटा साहित्यकार भोलाराम चौधरी जी जेकि ओतेकरा रहल छली तालीम के शिक्षक के रूप में निभा रहल छली भोलाराम चौधरी जेकि वे कोई नहाबी के साहित्यकार अपन सी के थारू समुदाय के साहित्यकार रहल छी आर वे एकटा भर्खरे एकटा किताब भी निकालल छी थारू व्याकरण कही के जेकि वे कहल छली कि अपन सी के थारू समुदाय में भाषा भाषिना लोभ हेतै जा रहल छी यहाँ के संरक्षण के लागि इना 55 जना के हमें 2 दिना से ट्रेनिंग दिया रहल छी कही के अपन सी के इना के भाषा ना के अपन सी के बोलीचाली ना के लोभ नहीं हाबे दम कही के हमें इटा के तालीम इना 55 जना के प्रतिस्पर्धी सम के हमें दिया रहल छी कही के कहल छली जेकि हमें इटा कार्यक्रम में इना सब रा आवाज जेकि शिक्षक जेकि तालीम में शिक्षक के निभा रहल छली भोलाराम चौधरी जी के हमें तोर्सिन के आवाज सुनऊ ओकर संगे बातचीत करल सुनऊ आर ओने करी के 55 जना में 55 जना प्रतिस्पर्धी मध्य में हमें 4-5 जना प्रतिस्पर्धी के हमें इटा कार्यक्रम हमर समाज मार्फत हमें ओकर सी संगे 2-4 बात जोड़ल छली यौन बात हम तोर्सिन के देखावे करूँ आर ओने करी के आयोजक टीम से रहल छी थारू कला केन्द्र मोरंग के अध्यक्ष आर ओने करी के इटा नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 के कमनी कार्यक्रम निर्देशक देवकृष्ण विश्वास जी संगे भी हमें
बातचीत जोड़ला छी योना तोरसिन के लागि हम सुनबे करबु। देवकृष्ण जी बहुत त्या बात करी दल किसे इटा के कमनी नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 कुन छे कि अपन से कि थारू समुदाय में इटा के जे जीती इटा के भूमिका कुन रहला कुन रहती यहाँ के बारे में जानकारी दिला छी हम इना देखे करबू। इना देखावे से आगू सबसे पैना हमें ओतेकरा जे कि गेल रह सनी दिना कमनी अपन सी के भाषा के तालीम हावी रहा यहाँ तालीम के एक रिपोर्ट इटा रिपोर्ट के बाद निरंतर हम तोर्सिन के कमनी भोलाराम चौधरी जी संगे आर प्रतिस्पर्धी संगे आर ओन करके इटा नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 के प्रदेश नंबर एक के कार्यक्रम निर्देशक देवकृष्ण विश्वास संगे बातचीत लेल इना हमें देखा जा इटा रिपोर्ट के बाद फुटेज के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तोरी सियान के मन पसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में जेकि हमें तोरसिन के फुटेज देखलु इटा अपन सी के प्रदेश नंबर एक के थारू समुदाय के लागि एक चर्चा बटुल्ल एक कार्यक्रम एक इवेंट जेकि इवेंट रहा नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2075 जेकि अखने कमनी एक नंबर प्रदेश के लागि इटा कार्यक्रम के ट्रेनिंग चलि रहा है जेकि 55 जना प्रतिस्पर्धी सबके ट्रेनिंग दिया रहा है अपने सी के थारू समुदाय के अग्रज व्यक्ति सम आरो ओने करके कोरियोग्राफर सपना राजवंशी जेकि एक महीना ट्रेनिंग दया के कमी एक महीना के बाद एक टाइटल यानी कि मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 थारू कला केन्द्र एक घोषित करती यहाँ ट्रेनिंग अवधि भर जेकि आज हमें कमनी एक ट्रेनिंग के कमनी एक महीना के ट्रेनिंग के अवधि में हमें आज एतरा इटा ईस्टर्न होटल ईस्टर्न स्टार के एक हल में हमें एकजना अपने सी के थारू समुदाय के साहित्य लेखन जेकि साहित्यकार एकजना हमार संगे उपस्थित छी हमें संगे बातचीत जोड़े चाहे जेकि वे कोई नहीं हाबी के बलाराम चौधरी जी रहा बलाराम जी स्वागत कार्यक्रम में धन्यवाद ट्रेनिंग में अल से सब इटा ट्रेनिंग लगे अखने बात छोड़म साहित्यकार कौन छिके साहित्यकार
साहित्य त एकटा जटिल विषयवस्तु छ कि मद हम खास काके थारू भाषामे ही अपन साहित्य सृजना करि रहल छन जे कि अखने कमनी अपन थारू समुदायके साहित्य सम सृजना करि रहल छै कतना के गाह्रो छ अपन सिके थारू समुदायमे अपन सिके भाषा भाषी होना लोभ हेते जा रहल छै इनाके बारेमे कुन कहि सकै छी कहि थारू भाषा वास्तवमे दिन प्रतिदिन लोप हेते जा रहल छै उटाके मेन कारण कुन छै कि एत कारण जेना थारू सब छै ओना थारू सब अपन थारू भाषा छोड़ि कऽ एते आर बहुत जातके भाषा सब बोलि रहल छै प्राय कए तऽ अंग्रेजी आर नेपाली एते मिजराके बोल छै वएहसँ हमर सबके भाषा लोप दिसर जा रहल छै एटा व्याकरण कुन छै कि थारू व्याकरण एकटा कमी निकालल छै कुन छै कि एटा थारू व्याकरण थारू व्याकरण थारू भाषा कानिके शुद्धसँ बोलबै कानिके शुद्ध सङ्गे लिखबै वएहसँ एकटा सिखाइवला शास्त्र छै इना कुन आब अखन कर 21औं शताब्दीमे एटा सम्भव छै तऽ सिखाबे लग्नि एटा तऽ जरूरे सम्भव छै किएकि भाषा जो हमरा सब जते जन्म छन् जेठिन जन्म छन् सबसँ पहिने अपन मातृभाषा बोलछन् तऽ अखने 21औं शताब्दीमे आबिके अखने चस उल्टा भेल छन् तऽ एटा तऽ उरङ्ग करलाके बाद तऽ जो हमर सबके भाषा ओ रहती तब एक दिन तऽ हमरा सबके जातो हो रहा वएहसँ हमरा सबके अपन भाषा कमसँ कम जोगाबे पड़लै जेकि एटा भाषा जोगाब लग्नि सबसे बेसी कुन के महत्वपूर्ण छ अपन सिकिटा थारू समुदाय के लागि एटा थारू समुदाय मे सबसे बड़के भूमिका एकर युवा जमात के छ किएकि युवा जमात ही अखन कर सब कुछ छ कि ओकरा सब चाहती तऽ एटा थारू भाषा जरूरे जोगल जेतै उटाक लागि लिखे पड़ती पढ़े पड़ली तकर बाद बोले पड़लै जेकि अखने ट्रेनिंग मे तोरा भेटल छ जेकि 55 जना प्रतिस्पर्धी सबके ट्रेनिंग दे रहल छै कतना के अपन सिके भाषा भाषी सिखल जानल बुझल सम कतना के प्रतिस्पर्धी सम भेटल तऽ एटा तऽ खुशी वाला बात छै किएकि एते हम दोसर भाषा के नहि अपन थारुए भाषा के तालीम देबे वाला छै मज एते जतना जन सहभागी छै सबके थारुए भाषा छै सबके घर में थारुए भाषा बोल छै वएह से एते थारू भाषा प्रति सबटा युवा युवती सब जागरूक छै आ ओकरा सब सीखे खोज छै कतना दिन के ट्रेनिंग देबे वाला एते आ ओटा तऽ हमरा सबके आयोजक अखने तक 2 दिन के टाइम दिल छै मस 2 दिन मे भाषा मे सुधार हेतै कहीं कहीं हमरा विश्वास नहि छै उटाक लागि तऽ हमरा सब यदि 1 हफ्ता सिखाबे पेथिन तऽ थारू भाषा मे रहल जरंग बहुत अखने फकड़ा पियानी कवि उना तऽ हरते जा रहल छै तऽ वएह सँ उना के जगरना खातिर एकर जनचेतना फैलाबे खातिर हमरा सबके एकटा ट्रेनिंग लम्बाबे पेथिन तारा बढ़िआँ हेतै जेकि अखने कमनी 4 जिल्ला के प्रदेश नंबर 1 एकटा आइकन जेकि मिस्टर एंड मिस थारू आइकन देल छी इटा के ताज प्रत्येक जिला में अपन सिके थारू भाषा फरक फरक छी नि इटा में ओकर सिके बुझाबे लगनी कतना के गारो आबि रहल कतना के उछु देख एते 4 जिला के मात्र छै मज हमरा सब 12 जिला एठन रही के एकटा थारू भाषा लेखन शैली बनौने छल थारू भाषा कानि के लिखबा मज ओकरा सब कतौ कुछुर जिला के रहू आखिर बोले लगी तऽ थारुए भाषा बोल छै एक रतना टन में मात्र फरक पड़ छै वएह से एते जे 4 जिला के छै सहभागी सब तऽ हमरा लाग छै जेकरा सबके सिखाबे लगना आर सहभागिना के सीखे लगना खासे ओतना अपठारो नहि आबि रहल छै जेकि बातचीत कर देलो बहुत बहुत धन्यवाद तहूँ हमरा एते बोले के अवसर दिले उटाक लागि धन्यवाद आर एरिना टेलीविजन के धन्यवाद देबे चाहछन धन्यवाद देखिए अने हमर संगे बातचीत जोड़ी रहल छली साहित्यकार भोलाराम चौधरी जी ओकर संगे बढ़िया विचार लेली जे कि बढ़िया कमनी अपन सके इटा नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 55 जना प्रतिस्पर्धी के तालीम दे रहल छै जेकि 2 दिना के ट्रेनिंग के अवधि के लागि आयल छी भोलाराम चौधरी जी वे बहुत प्रयास करि रहल छी अपन सके इना 21औं शताब्दी मे आयल बाल बच्चा ना के अखने कमनी वे अपन सके इटा थारू समुदाय के भाषा सम बचाबे के बहुत कोशिश करि रहल छी ओकरा शुभकामना देबे चाहछिन तोसिन अखने देखि रहल छै थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज साथ दए रहल छन हमे तोरे सियान के संग हमे नीरज खवास आर इतना खाना हमरा कैमरा में साथ दए रहल छी कुशल कार्की कुशल कार्की को बहुत बहुत धन्यवाद देबे चाहछिन अखन कर लगिन इटा छुमा व्यापारिक विश्राम
कार्यक्रम के पहिन कर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तोरी सियान के मन पसंद थार भाषा कार्यक्रम हमर समाज में साथ दे रहा हमरा अखने कैमरा दिशन कुशल कार्की के बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहूँ तोर सिन इटा थार भाषा कार्यक्रम हमर समाज प्रत्येक हफ्ता के बुध दिना साझा 7 बजे से 8 बजे तक आर ओन करके पुनः प्रसारण बृहस्पति दिना बिहान 11 बजे से 12 बजे तक हमें कार्यक्रम प्रस्तुता नीरज खवास के साथ में मात्र एरिना टेलीविजन में तोर सिन देखे सकते जेकि आज हमें कार्यक्रम के छायांकन के क्रम में होटल ईस्टर्न स्टार विराटनगर में एक कार्यक्रम अपन सबके थारू समुदाय में एक चर्चा में रहा कार्यक्रम मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 जे कि एक महीना के ट्रेनिंग अखने होटल ईस्टर्न स्टार के हॉल में आबि रहा ओथनकर रहा प्रतिस्पर्धी संगसंगे हमें आज बातचीत जोड़े चाहूँ जेकि सब से पैना हमें एकजना प्रतिस्पर्धी के हम जोड़े चाहूँ हेलो नमस्कार नमस्कार तो शुभ नाम शशिकला चौधरी घर ग्राम थनपा सुतरिया मुरंग जेकि मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 में छनो ठावी के ट्रेनिंग के क्रम में छै एक हफ्ता ट्रेनिंग में रहले कुन कुन सिखले त एक हफ्ता ट्रेनिंग में पहिने आबी के त अपन डर सब भगावे भगन ही आ उतने के बीच में हमर सिन के वर्क करे नहीं सीखल कि लोग के आगू में ऑडियंस के आगू में जाके कि नहीं के बोलवी कि नहीं के अपन बेस्ट परफॉर्मेंस देवी हमर सियान उतने सीखनी अखने और सीखे के क्रम अखने जारी है हिन्दी आज थारू लैंग्वेज हमर सिन के सिखा रहल छी कतना अपन सबके थारू समुदाय के कमी अपन सबके थारू लैंग्वेज बोले कतना के गारो लाग छु कि कुन समस्या है छु कि अपन सबके कमी अपन सबके अखने थारू समुदाय के भाषा ना इना वेशभूषा ना लोभ हेते जा रहल छी इना कुन समस्या लखा लाग छु तोरा आओ कहे त थारू हमर सेना थारू हाई के भी अपन वेशभूषा के आगू ओतने बढ़ावे नहीं सके रहल छिन काम की मॉडर्न युग आबि रहल छी दिनिंग दिनिंग आर आगू बढ़ी रहल छै आर आर जाति ना के ओहने ओहने हमर सेना मॉडर्न युग में जा रहल छिन हमर सियान के थारू भाषा के वेशभूषा लोप आबि रहल छी वएह खातिर एउटा थारू ऑर्गेनाइज जेली हमर सेना थारू के आगू बढ़ावम कहीं के थारू के आगू में लाजम कहीं के एकटा वे एली हमर सेना ओटा पार्टिसिपेट हिं आओ हमर सेना के थारू भाषा के आगू बढ़ावे के एकटा जागरण जागली सियासी टाइम में लागल छिन अखने जे कि कमनी मिस्टर एंड मिस थारू आइकन प्रदेश नंबर 1 में पहिन करे छोटी आबि जा रहल छि एटा एक ने एक जना त मिस्टर एंड मिस थारू के तास त जितबे करती यदि मानि लो ते जीत भई त अपन सके थारू समुदाय के लागि कुन करे सोच छु आर आगू माखन कुन करे के विचार छ तोरा अगर हमें इटा नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 जीतवी त हमें अपन थारू समाज के आगू बढ़ा के इटा थारू समाज के आगू लाजे के एहनेंगे एहनेंगे प्रोग्राम आर थारू जेरा में थारू सब पार्टिसिपेट हावी सकम उठा के कार्यक्रम के आगू बढ़ा के एजुकेशनल ट्रेनिंग सब दिलाऊ बातचीत कर गेलो बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार तो शुभ नाम हमर नाम सबीना चौधरी कथे से हमें पिरारवनी ग्राम थानदुई से इटा मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 के बारे में किने के था तेलै हमें इटा नोबल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन के बारे में एकटा सोशल माध्यम द्वारा थापे मिस सोशल माध्यम फेसबुक से हां फेसबुक के माध्यम द्वारा थापे मिस आ हमरा एते करन हमर दाजू सब दीदी सब हमर घर परिवार के आंटी अंकल सब हमरा इटा के बारे में जानकारी देला छली जे कि अखने ट्रेनिंग के अवधि में छै कुन कुन सिखले त अखन तक अखने ट्रेनिंग के अवधि में हमर सिन त सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल हमर सिन के किने के मॉडल एकटा हावी के किने के लड़े पर्ची कहीं के सिखल गेली तसपछि हमर सिन के इंट्रोडक्शन उटा में किने के मॉडल के क्वेश्चन हरु किने के अपन सिन फेस करे सकछ ओतने जना माज में किने के बोले सकवे किने क्वेश्चन हरु ए तो ओकर सिन में किने के ओ करे सकवे कहीं के उटा के बारे में सिखल के तसपछि हमर सिन के आजु के रन लैंग्वेज क्लास ले जेरा के बारे में थारू में कहल गेले थारू में भी अपन सिंह के वर्णहरु बनि रहल छ ओकर थारू किने के बोली जे छै कते कते कर थारू कुन कुन भाषा छै कि कहीं के एनिंग शब्द सिखल गेल छ हां जे कि कमनी इरा ट्रेनिंग के लागि आयोजक टीम कुन कहल छल कुन कुन सिखबु कहि के कुछ कहल छल हमर सिंह के त इनिंग आइटा जे हमर सिंह के इटा कहबे जानत इटा नोबल मिस्टर थार मिस्टर एंड मिस थारू आइकन इटा इन प्लेटफॉर्म से जरा से अपन सिन के संस्कृति हेलो अपन सिन के वेशभूषा हेलो इटा के लोप हावे नहीं देवे लगी इटा आयोजित कर रहा छी तो हमर सिन के वह कारण से शायद इटा में इन्वॉल्व हावे पड़लिस जेकि कतना ठाम तो इटा मिस्टर एंड मिस ना के एक कम नी मॉडलिंग दिशन ले लछि तर इटा कुन लखा लाग्छ तर मॉडलिंग लखा लाग्लु कि नै लाग्लु हमरा त फर्स्ट अफ अल इटा इनिंग लाग्लु जिने कि अपन सिन
एकटा थारू हाविके अपन सिन अपन भाषा बिसरा रहल छ एकदम अपन भाषा बिसराके दोसर दोसर ल्याङ्ग्वेजहरु बोली रहल छ ओकर लागि इटा सञ्चालन गरिरहल करल केस त्यसपछि हँ इटा छेके एकटा मोडलिङके लाइन छेके तर पनि इटाके सर्वप्रथम अपन सिन हमरा लाग्छ हमरा लाग्छ अपन सिके इटा भाषाके जोगावे प्रति कहि गेलै जोगावे प्रति कहि गेलै इटा सञ्चालित करल गेलै जेकि आगामी सोच कुन छ त तोरा आगामी सोच हमर इनिङ छ यदि हमें इटा मिस्टर एन्ड मिस थारू आइकन जितनी जान त हमें हमरे बगान यहाँ बगान आयोजन करबी यहाँ बगान कार्यक्रमहरू प्रकाशन करे लेकिन इटा इटा जिनिङ प्लेटफॉर्म देलके हमू आगामी दिनमे यहाँ बगल लोक होनाके हमर से हमर लखान आगामी दिनमे एलनाके हमू अहिनेके प्रोत्साहन करबी ओकर सिनके बातचीत कर देलो बहुत बहुत धन्यवाद हेलो नमस्कार नमस्ते तोर शुभ नाम हमर नाम आरती कुमारी खा हमर घर लखनदरी खाँच देता इटा मिस्टर एंड मिस थारू आइकन के बारे में किने के था पेल किने के सोच पुगली रहते करा आवे लगी शुरू में तो हमें फेसबुक में जानकारी पेनी तो हमारे रिलेटिव हमारे साथी भाई सब हमें जानकारी दिल कि मिस्टर एंड मिस थारू आइकन के फॉर्म खुल तो वही हमें डैजल में से फॉर्म भरे जे कि कतना अपन सी के थारू समुदाय के पेरेंट्स हम गार्जियन सब कहम अपन सी के चली बेटी के इन्हें इन्हें कार्यक्रम में कहमनी समावेश करे नहीं खोज छी कुन लखा लाग्छ तोरा तोरो घर से कतना के सपोर्ट दिलबु घर परिवार खास में तो एटा थारू समाज भनेपछि नि हल्का पोजिटिव थिंक भन्दा पनि नेगेटिव थिंक बेसी ले छिन कजन छौरी बच्चा सो कजन आगु बढ्छ त सोच्छ जे कहीं के जे गलत बाटो तिर लाग्छ कि कुन कहीं के आउ थारू समाज में छौरी बच्चा कजन कुरा काट्छ बेसी वहाँ से आउ एतेना कतना जन बहुत जन युवा युवती सब एल छिन तो कतना जन के असलो कछि कतना जन के नहियो कछि तर हमर फैमिली हमरा एकदम सपोर्ट कर लछि ने हमरा सुरवेश हमरा सपोर्ट कर छि या डांस में चाहे हर एक थोक में हमरा सपोर्ट कर लछि अखन तला जे कि इना के रोकथाम के लागि जेना कुरा काटि रहल छै नि गलत बात में जा रहल छै इना के सोचाइ ना के किनिंग के अंत्य करने से असल हेति लख लख छै तोरा क्वेश्चन फेरि क्वेश्चन बिना हने कला नि कुरा काट छै इने इने कर छै कहि के इना के रोकथाम के लागि छै अपन सिके गार्जियन के किनिंग क्लब संदेश देने से असल छै हमर सिन तऽ शुरूमे पहिने हमर सिन अपन गार्जियन या अपन समाजके अङ्कल आन्टी सबके सबैके बुझाएपछि कि छौरियो बच्चा सबके कुनो अवसर देति न कुनो भन्नाले अगाडि बढेन अवसर देति त अवश्य छौरा बच्चा से भी असल काम गरिके देखती न अगाडि बढिके देखती कहीँ के हमरा लाग्छ आगामी सोच कुन त इटा मिस्टर एन्ड मिस थारू आइकन 2018 के बाद हमरा तो इटा मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 में जीती के हमरा सर्वप्रथम तो इटा समाज में जितने पिछड़ल युवा युवती छी ने ओकर सिना के अगाड़ी बने के बढ़े के प्रोत्साहित करे के ने आर 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 आगामी दिन में इरेंग इरेंग प्रोग्राम सब संचालन करे के हमरा बातचीत कर देलो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हेलो नमस्कार नमस्कार तोर शुभ नाम हमर शुभ नाम अंकिता चौधरी इटारी चार से कते फॉर्म भरले हमें झुमका ए इटारिया में फॉर्म भरले मीडिया कॉन्सेप्ट में ने एकटा फोटो स्टूडियो छले ओते फॉर्म अथी प्रदान कर देन छले ओते जाके भरले किने के था पेले इटा मिस्टर एंड मिस थारू आइकन इटा इने इने कार्यक्रम छिके कहि के हम भाग लेबे कहि के किने के था पेले इटा के बारे में शुरू में त कहल जाउ त हमें एना वाला सम फेसबुक के नेट के द्वारा था पाबली तर भी शुरू में ओतना कंसंट्रेट नै करने छले कि एना निक स्टेज छिके के त पाछे जाके हमर मातैरो हमरा सपोर्ट करल के कि ए में जाके थे एकटा निक प्लेटफार्म भनाल ई एकटा निक प्लेटफार्म छी र लोक के द्वारा हम था पाबली कि ई ए में जाके थे एकटा अपन थारू भाषा आ वेशभूषा के जोगाना के लेल ते ई एकटा प्लेटफार्म सबसे नीक छै तब जाके हमें पाछे जाके अपन सोच बनैली कि हम ई प्लेटफार्म जाके हम कथियो करके देखाबे अपन समाज के लागि अपन थारू कला संस्कृति के लागि कथियो करके देखाबे आगामी सोच कुन त इटा मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 के बाद यसे आगामीके सोच हम कति सोच्ने छी कि सबसे पहिले त अपन थारू भाषा आ वेशभूषाके जोगाना करेले छै हमर सबसे बड़का सोच ओहिके लेल हम एनाङ्गवला बहुते थारू प्रोग्राम औरमे जाके एकर बारेमे प्रमोट करबै कि एहिमे
बेसी कुरा सिकेले पाबै आपन उतना के बातचीत गर्दै ल बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हेलो नमस्कार नमस्कार तोर्से बना हमर नाम जितरेन चौधरी घर ग्राम थान सरकठरा किनके थाबे ल एटा मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 में हमें फॉर्म भरबे कहि के हमें तो फेसबुक चला छै ने फेसबुक में देखनी छन एकटा रामधुनी नगरपालिका के एकटा मैम पोस्ट कर रहे के अखने नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन खुलल छै के फॉर्म भरन छूटलास तो हमें कमेंट कनी के हमें छूटनी कहि के ठक्के एलन सर सियान आ सुनील सर कॉल के जे कि जल्दी जल्दी भोर अखने फॉर्म खुला छै अखने फॉर्म के अवधि इतने इतने टाइम में छु इतने में भरबे त पार्टिसिपेंट एते ऑडिशन दे पड़तु जने ठाउ टोकला त उठा के उठा ठाम ऑडिशन दे पड़तु उठा से ऑडिशन में सिलेक्शन हो तो ट्रेनिंग में लास्तु देखिए ट्रेनिंग में लास्तु अखने ट्रेनिंग एक हफ्ता के अवधि एक हफ्ता में कुन कुन सीखल एक हफ्ता में हमर सेन के बोले लगन एक सीखल की ना बोले लगिन लहरे चढ़े लगिन आ की बोन से बोले प्रति सीखल जेकि इटा मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 इटा लरे लग्नी आरो बोले लग्नी मात्रै हो कि आरो कुछ के लागि हो आरो कुछ लागि हमर सन के थारू कला संस्कृति के झलकावे के लागि आरो हमर सन के थारू समाज में अखने बहुत कुछ लोप हावे रहल छी उटा के सुधार बनाए लगन आरो हमर सन के थारू जाति के आगू बढ़ावे लगन आगामी सोच कुन त इटा मिस्टर एंड मिस थारू 2018 आइकन के बाद हमर सोच कौन सी कि हमर सन के थारू समाज अखने बस्ता पाछू पड़ल छै उटा केरिंग के आगू भागते उटा आगू बढ़ल हमर सन के थारू युवा सब के कुन करे पड़ते उटा के जनचेतना किनिंग के दे पड़ते कुन किसिम से दे पड़ते उटा हमर धारणा छै बातचीत कर देल बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हेलो नमस्कार नमस्कार तोर से बना हमर नचेंद्र कुमार विश्वास घर बिराटनगर 3 मोरंग हम कते से बोलले हमें फॉर्म तो ये फेसबुक में बनाए इटा के एड देखने ने तो वैसे से ऑनलाइन फॉर्म भरने या तो विराटनगर डेजल में ऑडिशन दे के इतने तक पूरे देखिए अपने ट्रेनिंग के क्रम में थे एक हफ्ता ट्रेनिंग बढ़ाए गलो कौन कौन सीखल आज टीम इधर ट्रेनिंग पीरियड में तो हमारे से के बेसिक से बेसिक चीज़ सीखा से ना जस्त अपना से किनिंग के वॉक किनिंग के करवाए ऑडियंस के सामने किनिंग के बोलवाए आप फेस में किनिंग के अपन एटीट्यूड स्माइली फेस लेके किनिंग के बोलवाए सामान ना कि माइक्रोफोन है कि नहीं हैंडल कर वहाँ ने सीखते हैं देखिए इटा कम नहीं अपन सीखे समाज में अपन सीखे इटा नेपाल में इटा के लगभग नेप वर्ल्ड भरी मिस्टर एंड मिस कही के एक फैशन के रूप में ले लगे तर इटा मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 कौन लखा लगे तोरा वास्तव में इटा फैशन मात्र नहीं हावे के अपन कला संस्कृति टैलेंट देखावे एक उचित प्लेटफॉर्म मिले हमारे से एक आगामी सोच कौन छो इटा मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 के बाद हाँ आगामी सोच तो कोई एक टाइटल जितना छे उटा जीते के बाद अपन थारू समाज के लागे कुनु करना छे अपन जुन संस्कृति लोप हावी रहल छे उटा के जोगावे लगने कुनु करना छे बातचीत कर देल बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते धन्यवाद देखिए अखने हमें बातचीत जोड़ी रहा छो एथेन करा रहा प्रतिस्पर्धी संगसंगे जेकि बढ़िया बढ़िया विचार रखल छी जेकि कमनी आयोग टीम के बहुत ही असल काम कर रहा है कहीं के प्रतिस्पर्धी सम कहल कि देखिए तोरे सिंह अखने देखी रहा है थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज साथ दे रहा छन हमें तोरे सिंह के संग हमें नीरज खवास प्रत्येक हफ्ता के बुध दिना साँझ 7 बजे से 8 बजे तक आर ओन करी के पुनः प्रसारण बृहस्पति दिना बिहान 11 बजे से 12 बजे तक इतना थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज देख सकते केमा में साथ दे रहा है कुशल कार्की के बहुत बहुत धन्यवाद अखन कर लगिन इटा छुमा व्यापारी विश्राम कार्यक्रम के दोसर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तोरे सियान के मन पसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में साथ दे रहा छन हमें तोरे सियान के संग हमें नीरज खवास जे कि आज हम इटा कार्यक्रम के छायांकन के क्रम में विराटनगर के होटल ईस्टर्न स्टार में छायांकन के क्रम में छन जे कि आज एते करा अपन सी के थारू समुदाय में एक चर्चा में एलो एक कार्यक्रम जे कि उटा कार्यक्रम रहल छे मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 प्रदेश नंबर 1 जे कि इटा प्रदेश नंबर 1 में इना कहमनी इटा कार्यक्रम किनिंग के संचालन हेली अपन सी इटा थारू समुदाय के लागि कुन के लागि हेली यहाँ के बारे में हमें जानकारी लेवे चाहूँ जे कि हमें बातचीत जोड़े चाहूँ मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 जे कि आयोजक टीम रहल छी थारू कला केन्द्र मोरंग जे कि हमें बातचीत अखने जोड़े चाहूँ थारू कला केन्द्र के अध्यक्ष आर ओन करी के मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 के प्रोग्राम निर्देशक जे कि कोई नहीं हाबी के देवकृष्ण विश्वास जी रहल छी हमें ओकरा कार्यक्रम में स्वागत करे चाहूँ देवकृष्ण जी स्वागत कार्यक्रम में नमस्ते कतना के व्यस्त कतना के दौड़ धूप चली रहा एकदम दौड़ धूप चली रहा है अखने इटा कार्यक्रम रहा है कि देखिए अपन सी के थारू समुदाय में इटा मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 एकदम चर्चा बटल कोनी कुन छे इटा के राज
इटा के राज जाओ कौन करो या फर्स्ट टाइम करी रहला छेन एक थारू सोसाइटी के लागे इटा कार्यक्रम पहलो चोटी अपन से प्रदेश में क्या रहला छेन वो कारण से आदमी सो एकदम क्यूरियस छे ने आओ कहीं हेते कौन बिहार रहला छे कहीं के कजन जाने खोजी रहला छे तकर बाद उन्हें करी के अपन सके पार्टिसिपेंट्स ना भी एकदम एक्साइटेड से मतलब बढ़िया करवे बढ़िया करे पड़ते खुद जाने पड़ते सीखे पड़ते कहीं के उलेल से आओ उनका से नाम चली रहा छे ने मिस्टर एंड मिस थारू कतना के चुनौती छे इना कार्यक्रम करे लगनी थारू समुदाय से के कतना के सहयोग करी रहल छे सहयोग सहयोग तो एकदम भरपूर कह रहा छे बिना सहयोग के हमर से अखने जे राखने लेवल में पुगल छे उटा लेवल में शायद नहीं पुगथिन केन आ सहयोग के करवा त तैं अपने भी एकदम सहयोग हमर से एकदम करी रहल छस वही करके अब मीडिया दिशा तुरसिया भैया गया ने तारो अपन सके जिन्हें थारू संघ संस्था सु जितने भी छे थारू के आवास थारू कल्याणकारिणी महिला सभा बहुते बहुते छे सब गए हमर सके एकदम हाथे में हाथ करके अखने हमर सके साथ दे रहा छे वही करके व्यक्तिगत रूप से भी आदमी सब आर्थिक सहयोग तकर बाद सामाजिक सहयोग सब कुनो एकदम पावी रहल छे खुशी लागि रहल छे जे कि इना कार्यक्रम करे लगनी अपन सके समुदाय में बेर त हेलन यहाँ लाग्छ नि लाग्छ तोरा एकदमै 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 देरी एकदमै अब हमर से एकदमै पाछु परि गेल छै इना कार्यक्रम में काम कि अखने नै देखि रहल छन बच्चा सब एक त अपन से थारू जात तोरा जेनेटिकली नै ते हमें कजन एकदम लजमंता स्वभाव के नै लजमंती स्वभाव के बेसी बोले नै सकवा लोग के बहुते दोसन अगाड़ी में बोले नै सकवा नै त उना चीज के अखने चिरे लगनी जे उतरल छै कृषि आगे भी अखनो गारो भए रहल छै तो इटा कार्यक्रम हमर से अखने शुरुआत करने इटा कार्यक्रम तो हमर से के 10-20 बछर आगुए शुरू करना रहे ताकि थारू समाज के युवा युवती सब बहुते चीज उटा में सीखी के कालू जाके अपन समाज के कुछ देन दिए सकल के हती एकदम देरी भए गेल इना कार्यक्रम के लागि जे कि हमें बातचीत जोड़ी रहा छी इटा इना ट्रेनिंग में कुन कुन इटा कमनी तालीम में एक महीना के तालीम जे दे रहल छै इनामे कुन कुन के तालीम छै इटा फैशन के लागि मात्रै हो कि आरआर के लागि हो नै इटा चाहिँ मतलब फैशन एकटा हि नै छै जने अपन से आते हमें देखि रहल छ कुनो एकटा स्टेज प्रोग्राम हे छै त उते जाके हल्का मॉडलिंग के रैंप भी करा करल कत नै ठिन देखल छस नै त उटा त नॉर्मली एकटा फैशन छिके कहि के उटा देख छै एक छिन सो एंटरटेनमेंटो हे छै नै तर इटा जे मिस्टर एंड मिस थारू छै इटा में इटा एक किसिम के कॉम्पिटिशन छिके जेरामे तोरा जाके ओकर बोली लड़ाई चाल ढाल हरेक चीज उटा में देखी के एजुकेशन तकर बाद कॉन्फिडेंस लेवल ओकर कतने छे ने सोशल वर्क करे में जान छे नहीं जान छे तकर बाद हमर सके इटा के साथ साथ है अपन सके कला संस्कृति भाषा वेशभूषा इना के जोड़ल छे तो इटा के कहबा तो तोरा सके एकदम प्योर फैशन नहीं हावी के कल्चरल फैशन शो हेतु हमर सके कल्चरल फैशन शो विथ कॉम्पिटिशन तो इटा में कहबा तो हमर सके मेन कॉन्फिडेंस लेवल तकर बाद कहीं के बातचीत कहीं के करे जानते जेना बच्चा मतलब हजार झन के आदमी के अगाड़ी कुन एक स्टेज परफॉर्मेंस कहीं के करे सकते कहीं के बोले सकते कहीं के लड़ना चाहिए बिहेवियर से लाके हरेक चीज इटा में मतलब अखने हमर से सिखा रहा छन तकर बाद आर गप तोरा हम कहे सा सुन जिन्हें ट्रेनिंगे के दौरान में हमर से आजिए खिना देखबे करला तखने मतलब हमर से आओ भोला सर येल छे मतलब भाषा हाँ साहित्यकार व्याकरण भी निकालल छे तो हमर से भाषा के जोड़े चाहन जेने कतने कंटेस्टेंट सब छे जकरा थारू भाषा नहीं छे तो उना भाषा जकरा भाषा नहीं छे उटा तो लेट ठीके छे वे सीखते ने तर जकरो भाषा ये छे ओहो अखने हमें बोलते बोलते कतने चीज मिक्स भए जाइ छे तोरा जाके थारू लैंग्वेज से नेपाली आ इंग्लिश में मिक्स छे तो कतने भाषा तू ही हमें बिसरा रहल छन जेना भाषा लोप भावी रहल छ तो उना भाषा के कहीं के मतलब अखने ना जेना कंटेस्टेंट ये छे ओकर से 50 भाषा यदि सीखल के कालुकर दिन में यदि बोलल के सीखल के तो वह एक थारू के भाषा के जगेड़ना हेले साथ साथ अपन से आके जेने आओ कुछ दिन में हमर से एक तोरा जाके कुनक से इना के अपन से आके जे फूड सब छे नी खाना परिकार थारू के टिपिकल परिकार सब जेना छे जेने के भका हेलो बगिया चिछौरी ने तो इना चीज के हमर से एकर से के किनिंग के बनो छे तकर बाद बनाए के अपने अपने भाव किनिंग के खे छे उना चीज मतलब शुरुए से कहीं के बनो छे कितना जन के बनाओ था नहीं छे ओकर से हाँ नामो था नहीं छे तो उना चीज भी हमर से इटा में कुनको से इटा कार्यक्रम में ओकर से के सिखाबे वाला छे तेने तोरा जाके अब जेने डोरे बांध छे अपन से हमने
डोर बने के भी डेमोन्स्ट्रेशन हमारे क्लास होना देवे वहीने करी के तोरा सके कौर मुख पेंटिंग जेना वॉल पेंटिंग अपन सक उना वॉल पेंटिंग भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन क्या सिखाबे वाला छे देखे पेबा जेकि अपन सी के थारू समुदाय के गार्जियन सबमे एक नेगेटिव सोच ए इना मिस्टर एंड मिस थारू मिस्टर एंड मिस ना इना तो मॉडलिंग दिशन जा रहा छे नेगेटिव पोजिटिव आने लगनी कुन कहे चाहे इटा के लागि नहीं छे गार्जियन ना के कुन कहे चाहे जे एक थारू के बच्चा खाले घर में कुन कहे खाले गोगर पाथी के घर में रहते घरे में रहते कही के आजकल उटा जमाना नहीं रहले यदि अपन से वह कारण से थारू जात पाछू मतलब पड़ी रहल तो उटा के चीरे के लागि इटा फैशन शो जे छे इटा फैशन शो मात्रे नहीं भैके इटा एक किस्म के कॉम्पिटिशन छे तोरा हमरा था छे वर्ल्ड में तोरा मिस यूनिवर्स ने मिस यूएसए मिस इंडिया मिस नेपाल इतना इतना चीज सब भै रहा है तो उना यदि बढ़िया चीज नहीं रहे हेती तो काम उतना लगानी क्या के उतना मेहनत क्या के आदमी सब त्या देखले छस आओ कुन कसे इंडिया के टॉप टॉप एक्ट्रेस हौ सबटा मिस इंडिया से गेलो छे ने तकर बाद नेपाल में भी देखे सकछ त्या तो एक अपॉर्चुनिटी इटा से बहुते चीज सीख छे जेना आओ कतना कतना मॉडल त्या प्रोफाइल भी चेक करे सकछ नेपाली जे सब मॉडलिंग इना लाइन में मतलब मिस्टर मिस जे हेलो छे तो ओकर सिया ओहिने बैठलो नहीं छे कोई भी कोई व्यवसाय क्या बैठलो छे कोई समाज सेवा क्या बैठलो छे तो इना तो एक किस्म के सिखाई छे गेन तो जब तक त्या सिखवा नहीं एक्सपीरियंस गेन नहीं करवा तो कालू चाहे इम्प्लीमेंट कहीं के करवा तो उ से इना हम गार्जियन ना के कुन कहे जाते जे त्या घर में राखी के उटा फायदा कि ये आबी के दर्शन संगे परिचित हेतु दस टा बातचीत सीखते थारू कला संस्कृति के बारे में सीखते उना कालू जाके अपन बाल बच्चा के सीखते अपन समाज के सीखते तो उटा बढ़िया छे तो घर में बैठा के रखला से असल कि कुन कसे एक कॉम्पिटिशन में उतारे के ओतनू ना नहीं वे यदि इटा कॉम्पिटिशन में जीतते तो हमारे एक जने कैश प्राइज से कैश प्राइज यदि वे फर्स्ट हेतु तो 50,000 जो कैश प्राइज पेते तो वे अपने गार्जियन के भी एक ले हमें लाइफ में एक कोनो अचीवमेंट करने गई के ओकर से मतलब अपन पेरेंट्स के भी उटा दिए सकते तकर बाद हमर से जिन्हें क्या क्या कॉलेज तरह से स्कॉलरशिप करलो छे यदि कोई पढ़े चाहते तो उना तो पढ़ाई भी ओकर से फ्री में करे सकते नहीं इंडिया में दिलो छे एक कंसल्टेंसी दिलो छे यदि इंडिया में दुई जन कोई यदि जाए चाहते तो ओकर से 4,00,000-5,00,000 आईसी के पढ़ाई फ्री में दे रहा छे तो इना तो अपॉर्चुनिटी छे इटा ग्रैप करे के तो हाथ में छे नहीं ओकर से है इटा नहीं असल छे बिगड़िए जेते एने घर में रह के आदमी नहीं बिगड़ से गाँवे में रह के आदमी सब नहीं उड़र से हाँ तो उना बात छे क्या थारू समाज के इटा बात चाहे बुझे पड़े जे नहीं होना काम हरेक जात जाति में भै रहा है अपन से थारू सब काम पाछ चार बात जे कि इना प्राइज ना दिने कले कॉलेज के दिने कले जकरा इना कमनी मेडिकल लाइन आर इना बीबीए लाइन जकरा इच्छा नहीं छे पढ़े लगनी ओकर सी के लागि कुन व्यवस्था छै इटा मीनिंग से बीबीए के बात कर ला जने इंडिया में हमर से जरा कंसल्टेंसी से गप कर लो छन वे खाले बीबीए मात्रे नै जने टेक्निकले ककरो इंजीनियरिंग करे मन छे तो वे कहलो छे मतलब जे जे ना यूनिवर्सिटी हमर सिया मतलब डील कए रहल छन उना यूनिवर्सिटी में इंडिया में टॉप टॉप सिटी में जने दिल्ली हेलो ने पंजाब हेलो कुन कसे कलकत्ता हेलो तो इना में ओकर से यदि इंटरेस्टेड कोई दुई जन छे तो ओकर से आके हम स्कॉलरशिप करे सकते तो उना तो आओ इनिंग से खाले कुन कसे बीबीए या कुन कसे तोरा जाके कॉमर्सिय लेवल के जाए पड़ते उन्हें कोनो जरूरी नहीं छे आओ अपनो अपनो इंटरेस्ट से आओ इंगेजो छे कतने सन आ अपनो में भर पड़ से आओ नोबेल दे रहल से तोरा जाके हाँ दुई जना के दिलो से टेक्निकल लाइन में जिन्हें रेडियोग्राफी लैब टेक्नीशियन हेले ने तो इना में वे कहल आओ जकरा कुन कसे लैब टेक्नीशियन पढ़े मने नहीं छे ओकरा इंटरेस्टे नहीं छे तो ओकरा तो आने के तो कोनो उ नहीं हेले तो उना हमर से विचार क्या के जे जेहनदार छे जे पढ़ावे के जकरा घर में क्षमता नहीं छे उना हरेक चीज विचार क्या के हमर से इटा स्कॉलरशिप से ओकर से के प्रोवाइड करबे अंतिम में कुन कहे चाहे हमें पूछल कुन छूटल छू जन कुन कहे चाहे ठीक छे साथ सहयोग सबका के पेल छन ओकर से एकदम हम धन्यवाद दिए चाहे थारू कला केन्द्र हम आर हम अपन व्यक्तिगत तरफ से अखन तक बहुते साथ दे रहा छे सौका अखने टाइम आर बाकी छे ने साथ दे सौका के हाथ में हाथ मिला के अपन एक थारू समाज के अगाड़ी बढ़ावम इतना कहे चाहे बातचीत कर दिल बहुत बहुत धन्यवाद जे कि अपने हमारे संगे बातचीत जोड़ी रहा जो मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 के आयोजक टीम जे कि थारू कला केन्द्र मोरंग के अध्यक्ष आवेदन करके नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 के
प्रोग्राम डिरेक्टर देवकृष्ण विश्वास जी हमें ओकर संगे बातचीत राखली जे कि एटा कार्यक्रम के संपूर्ण जानकारी दिलकी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छिन जे कि अखन कर लगिन फेन से कार्यक्रम में अंतिम व्यापारिक विश्राम लेवे चाहे छिन कार्यक्रम के अंतिम व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तुरिसियान के मनपसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में जे कि कार्यक्रम के अंतिम अंतिम दिशन चलेलिस जे कि हमें तोसिन के इटा व्यापारिक विश्राम के आगू हम तोसिन के थारू साहित्यकार भोलाराम चौधरी जी संगे आर होइन करी के छनौ ठेला प्रतिस्पर्धी संगसंगे चार पाँच जना प्रतिस्पर्धी संगसंगे बातचीत जोड़लु होना तोसिन के देखावे करलु आर देवकृष्ण विश्वास जे कि थारू कला केन्द्र के कहमनी इटा के अध्यक्ष तथा ओने करके नोबेल मिस्टर एंड मिस थारू आइकन 2018 के कार्यक्रम निर्देशक रहा देवकृष्ण विश्वास ओकरु संगे के बातचीत हम तोरसिन के देखे करलु जे कि कार्यक्रम के अंतिम अंतिम दिशन छी तोरसिन के इटा कार्यक्रम किनेंग लाग्छु कुन सलाह सुझाव सुजन त तोरसिन सलाह सुझाव देवे सक्छ आर ओइन करके हमरा एक घंटा तक कैमरा दिशन साथ दिलकी कुशल कार्की के बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छिन आर ओइन करके तोरसिन एक घंटा तक देखी दिले तोरसिन के बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छिन आर ओइन करके दोसर हप्ता एकटा फरक विषय वस्तु लिया के हमें उपस्थित हेवे करबू तब तक के लगिन हमें आज इटा हमर समाज कार्यक्रम मार्फत से विदा हावे चाहूँ नमस्कार तोसिन देखते रहन एरिना टेलीविजन।